Sir, I have one question. Sir, I don't have a sport background. I played in 9th and 10th standard khokho and kabaddi, but in college level I didn't play any sports. So Okay, all right. I would like to answer this question. Firstly, it is not important that कि आपने कॉलेज लेवल पर खेला है कि नहीं खेला है। हालांकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। देखो ये सीक्रेट मैं आपको बोलना चाहूंगा, हालांकि एसएसबी इज लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज नॉट ओनली गुड इन स्टडीज बट आल्सो गुड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। आपने 8th एंड 9th में खेला, यू नो इट दैट हाउ टू प्ले इट, बट एट द सेम टाइम कॉलेज टाइम पे आपने कभी नहीं खेला अनुषा, कभी ना, मतलब आपने मतलब गली हो गया या फिर आपने नियर बाय अपने होम्स में या फिर गांव में कहीं भी खेला हो एज अ कैजुअल कैजुअल मेथड में। हॉबी में प्ले करती हूँ इन फ्री टाइम आज बैडमिंटन एंड टेनिस. ठीक है, दैट इज गुड ना, एटलीस्ट यू आर प्लेइंग, एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग टू कीप योरसेल्फ फिट। ठीक है, बिकॉज देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर द फैसिलिटीज आर नॉट इनफ, एडिक्वेट फैसिलिटीज आर नॉट देयर। ठीक है, बट द थिंग इज दैट इफ यू आर नॉट हैविंग दैट फैसिलिटीज देन हाउ मच रिसोर्सफुल यू वर एट दैट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फ्रॉम अ दैट काइंड ऑफ कॉलेज वेयर नॉट एडिक्वेट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बट एट द सेम टाइम यू आर अ रिसोर्सफुल पर्सन, यू हैव मेड सम यू नो अरेंजमेंट फॉर योर बैडमिंटन फॉर वर्किंग आउट फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए वर्कआउट करने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन कोर्ट बना लिया या फिर वॉलीबॉल कोर्ट बना लिया या फिर नियर एंड डियर वंस में कहीं से भी रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करके आपने अपने आपको फिजिकली फिट रखा। फॉर एग्जाम्पल रनिंग करी, है ना, यू मे ऑल्सो गो फॉर कार्डियो, यू कैन ऑल्सो गो आउट फॉर योगा, यू कैन ऑल्सो गो आउट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि हाउ यू आर कीपिंग योर सेल्फ फिट, हाउ आर यू आर एक्चुअली कीपिंग अप, यू आर एक्चुअली यू नो बिल्डिंग अप योर टीम स्पिरिट। कोई टीम स्पिरिट आप किस तरीके से खेलते हो, टीम स्पोर्ट्स खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि कॉलेज में ही खेलो आप, इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट डेट आप बाहर सराउंडिंग में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना। समझ में आया अनुष आपको? ओके द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रोजेक्ट अकॉर्डिंगली, दैट यू हैव टू टेल दैट आई हैव डन दैट सो एज टू कीप माई सेल्फ फिट। या फिर आप बोल सकते हो इन माई कॉलेज टाइम आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल और इन माई होम टाइम या फिर इन माई एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ माई कॉलेज टाइम, है ना, विद माई फ्रेंड सर्कल एंड आई ऑल्सो प्ले बैडमिंटन। सो इन दिस वे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, राइट? यस सर. किसी को कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन क्या था? ये था कि ये जो अनुषा है 8th एंड 9th में खेलती थी, मतलब स्पोर्ट्स खेलती थी, बट आफ्टर दैट कॉलेज मतलब कॉलेज टाइम पे आई तो फिर उन्होंने जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, खेला नहीं उन्होंने, इनका क्वेश्चन ये था। तो फिर बोल रहे हैं ये, क्या ये बताना उचित रहेगा या फिर कि हम कॉलेज एसएसबी में हमने ये सब चीजें नहीं करी है तो हमको इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है एसएसबी में। तो मैंने इसका आंसर दिया आपको, मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है? आप हाँ सर. अनु, ठीक है, यू कैन अगेन वॉच दिस वीडियो। सर मेरा